बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीएचडी पाकिस्तान अलाल डिपार्टमेंट में नई वैकेंसियाँ आ गई हैं, इनकी डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आए चलते हैं इसमें। सबसे पहला पोस्ट हालिया वो रजिस्ट्रार की है, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो मास्टर डिग्री इन्होंने मांगी है जी। मास्टर्स किया हो आपने डिग्री और 7 साल का एक्सपीरियंस हो। एज लिमिट इसमें 60 ईयर है और लास्ट में सैलरी जो इसकी बताई गई है वो 4,50,000 रुपये है। सेकंड नंबर पर जो है जी वो सीनियर मैनेजर की है, इसके लिए आपने एमबीए की इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है और 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 साल तक की इसकी एज लिमिट है और 4 लाख रुपये इसकी सैलरी है। तीसरे नंबर पर जो है मैनेजर एडमिन की है, इसके लिए भी आपको एमबीए और इक्विपमेंट डिग्री इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए आपकी। इसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और एज लिमिट 50 साल तक है। इसकी सैलरी जो इन्होंने बताई है वो 1,40,000 है। चौथे नंबर पर जो है वो मैनेजर फाइनेंस की है और अकाउंट्स मैनेजर की है, इसके लिए भी आपका MBA होना लाजमी है। 7 साल का एक्सपीरियंस, 50 साल तक इसकी उम्र की याद है और 1,40,000 रुपये इसकी सैलरी है। पाँचवें नंबर पर जो है वो अलाल एडिटर की है, इसकी जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी है वो एटलीस्ट टेक्निकल ग्रेजुएशन डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए और 5 साल का कम अज़ कम आपका तजर्बा होना चाहिए। उम्र की आदत में भी 50 साल तक रखी गई है। इसकी सैलरी भी 1,40,000 है। छठे नंबर पर जो है जी वो है मैनेजर कंप्लीनेंस की है, इसकी क्वालिफ़िकेशन भी MBA होनी चाहिए, 7 साल का तजर्बा, 50 साल उम्र की आदत और 1,40,000 इसकी सैलरी है। सातवें नंबर पर मैनेजर है, इसके लिए आपकी LLB रिक्वायर्ड है, आपको LLB किया हो, लॉ किया हो आपने और 7 साल का आपका तजर्बा हो, 50 साल की उम्र की याद और 1,40,000 इसकी सैलरी है। आठवें नंबर पर जो है जी वो है अलाल एडिटर की, इसके लिए जो आपकी डिग्री रिक्वायर्ड है वो है जी सादतुल अलमनास दरसल निज़ामिल फिल अलूम में अरबी में आपने की हो जी। इसके लिए 5 साल का आपका तजर्बा रिक्वायर्ड है, 50 साल तक आपकी उम्र की आदत होगी और 1,10,000 रुपये इसकी सैलरी है। नौवें नंबर पर जो है जी वो है जी डिप्टी मैनेजर की है कंप्लीनेंस की, इसके लिए MBA MA इकनॉमिक्स वो होना लाजमी है। मिनिमम 5 साल का आपका कम अज़ कम तजर्बा होना चाहिए, 50 साल की उम्र की एज है और 82,000 रुपये इसकी सैलरी है। दसवें नंबर पर जो है जी वो सिस्टम मैनेजर की है बिज़नेस डेवलपमेंट एंड कंडीशनल की है, इसमें जो डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है वो क्वालिफ़िकेशन वो MBA है। मिनिमम 3 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए और 40 साल तक इसकी उम्र की आती है। इसकी सैलरी 60,000 रुपये है। ग्यारहवें नंबर पर आपका असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायर्ड है जी, इसकी भी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो MBA है और 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए या 3 साल तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 साल उम्र की याद है और 60,000 रुपये इसकी सैलरी है। बारहवें नंबर पर वो असिस्टेंट मैनेजर की है, पर्सनल सेक्रेटरी टू चेयरमैन रजिस्ट्रार की है, ये जी इसके लिए MBA आपका होना लाजमी है और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। 40 साल तक उम्र की याद है और 60,000 रुपये इसकी सैलरी है। 13वें नंबर पर जो है जी वो असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट की है, इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना लाजमी है और कम अज़ कम 2 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए। 35 साल उसकी उम्र की आता है और 40,000 रुपये इसकी सैलरी है। इसमें जो नेक्स्ट है जी वो है जी फ्रंट टैक्स ऑफिसर की है, इसके लिए आपका इंटरमीडिएट होना लाजमी है। MS ऑफिस वगैरह आपको आता हो, कंप्यूटर आप चला सकते हो। इसकी उम्र की आज जो है 35 साल है और 40,000 रुपये इसकी सैलरी है। 15वें नंबर पर जो है वो डिस्पैच राइडर है, एक असामी है, इसके लिए आपके पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है लेकिन आपका लाइसेंस जो है आपका लाजमी होना चाहिए। इसका 5 साल का आपका तजर्बा भी चाहिए, 35 साल उम्र की आदत और 35,000 रुपये सैलरी है। 16वें नंबर पर ऑफिस बॉय है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो पढ़ना लिखना जानता हो और 2 साल का तजर्बा हो, इसकी भी उम्र की आदत 35 साल तक है। 7वें नंबर पर ड्राइवर है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए
और कम से कम 10 साल का आपका ड्राइविंग का तजर्बा होना चाहिए। 50 साल उसकी उम्र की याद है और 35,000 रुपये सैलरी है। 18 और आखिरी नंबर पर स्वीपर है, इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए और फिज़िकली आप फिट होने चाहिए। 2 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए। 40 साल तक जो है आपकी उम्र की याद है इसमें और 25,000 रुपये सैलरी है। नीचे जो इन्होंने शराइत रखी है उसमें सबसे पहले तो ये है कि इसकी जो आपने दरख्वास्तें देनी है वो 22 जुलाई से पहले पहले आपने पहुँचानी है वहाँ पर ऑफिस में। दूसरी शर्त इनकी ये है कि आपने इनकी जो वेबसाइट है PADA की वेबसाइट है www.pada.government.pk से वहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है और उस फॉर्म के साथ आपने अपनी ID कार्ड की कापी, अपनी एक अदर तस्वीर, फ्रेश फ़ोटो, उसके साथ अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्टेड करवा के उनकी सारी जो है कॉपीज़ अटैच करके भेजनी है। कोई TADA वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। अगर कोई आप पहले से किसी सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं तो अपने महकमे के वतवास से आप जो है ना भेज सकते हैं। आपने भेजने के एड्रेस पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। चेयरमैन पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी, 18KM मुल्तान रोड, शाहपुर कंजरा, लाहौर। इसका फ़ोन नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 0429933704। बाकी जितनी भी डिटेल है मैं इसकी आपको इनकी वेबसाइट जो भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।